हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राहुल किचन मैं हूँ प्रियंका आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड कटलेट्स एंड दिस रेसिपी कैन मेड इन एनी पार्टी कल वेलेंटाइंस डे है तो उसमें भी आप इसे स्नैक के रूप में बना सकते हैं वेरी इजी एंड क्विक स्नैक रेसिपी इसके लिए मैंने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं ये है क्यूमन सीड्स दैट इज जीरा यह है राइस फ्लोर दैट इज चावल का आटा यह है बेसन दैट इज ग्राम फ्लोर यह है चॉप्ड ग्रीन चिली चॉप्ड अनियन ये है ऐसा पटीडा दट इज हींग ये है नमक दैट इज सॉल्ट यह है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स तो आइए हम बनाते हैं ब्रेड कटलेट्स सबसे पहले ब्रेड की जो चारों तरफ की लेयर्स हैं, इसको हम कट कर लेंगे वेरी वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। इसे आप किसी भी पार्टी में फटाफट से रेडी कर सकते हैं वेरी इजी एंड वेरी यमी आल्सो। चारों तरफ के लेयर्स हम कट कर रहे हैं

लाइटली एंड स्मूथली आप नाइफ से कट करेंगे ताकि ब्रेड के पार्ट्स ना हो ब्रेड इज वेरी सॉफ्ट तो आप उसको फ्रिज में लाके रख दें तो उससे थोड़ी सी ये टाइट हो जाएगी जब आप रेसिपी तैयार करेंगे तो दो से तीन घंटे के लिए आप ब्रेड को फ्रीज में रख दें तो इससे टाइट हो जाएगी और इस तरह से देखिए इसकी वर्टिकल शेप्स रेडी हो जाएगी तो आइए हम तैयार करते हैं एक बाउल लेंगे हम डीप बाउल लेंगे उसमें हम ऐड करेंगे ग्राम फ्लो दैट इज बेसन राइस फ्लो सॉल्ट सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि ब्रेड में भी नमक होता है अब ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स दैट इज जीरा इसके बाद ऐड करेंगे हींग हींग को मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लिया था फॉर गुड टेस्ट अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे इसके बाद ऐड करेंगे हम चॉप्ड अनियन ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स अनियन ऐड करने से इसमें टेस्ट डबल हो जाता है बाकी मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर काली मिर्ची गरम मसाला एक्सेट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया है दिस इज वेरी सिंपल एंड यमी रेसिपी बिलीव मी यू ऑल्सो ट्राई दिस अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी पानी आप बेचेस में ऐड करें पार्ट्स में ऐड करें एक साथ ही आप सारा पानी ऐड नहीं करें धीरे धीरे आप बैटर को रेडी करें स्पून से आप अच्छे से बैटर को मिक्स करें टू मेक इट स्मूथ तो देखिए इस तरह से ये बैटर रेडी होगा तो आइए हम बनाते हैं ब्रेड कटलेट्स ब्रेड की एक स्लाइस यानी कि एक पार्ट हम लेंगे सब पार्ट बोल सकते हैं इसे आप और इसके चारों तरफ आप स्पून से बैटर लगाएंगे ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है ऑयल अच्छे से गरम हो गया है तो अब इसे हम फ्राई करेंगे देखिए बिल्कुल आप लाइटली इसे उठा के पैन में रखेंगे और एक एक करके ब्रेड को आप पहले से डिप करके नहीं रखें। जब आप एक ब्रेड इसमें ऐड कर दें ऑयल में उसके बाद आप दूसरी ब्रेड लेके बेसन में डिप करके और फिर ऑयल में रखें ताकि उससे ब्रेड टूटेगी नहीं क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है मीडियम टू लो फ्लेम रहेगी इन्हें आप टर्न बाय टर्न करके अच्छे से फ्राई करेंगे राइस फ्लोर ऐड करने से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं तो देखिए मैं आपको एक बताती हूं निकाल के कि ये कितना क्रिस्पी हो गया है देखिए ये दिखने में भी बहुत क्रंची दिख रहा है और बहुत ही क्रिस्पी हो गया है इन्हें अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है तो इस, इसे हम निकाल लेंगे और सेकंड बेच रेडी करेंगे ब्रेड आप हैंड टू हैंड डालें बेसन के बैटर में पहले से डाल के नहीं रखें यहां आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ब्रेड क्रश हो जाएगी अगर आप पहले से डाल के रख देंगे तो देखिए इस तरह से बिल्कुल खड़ी रहेगी देखिए वेरी इजी रेसिपी इफ यू लाइक माय रेसिपी देन प्लीज क्लिक द लाइक बटन ऑन द वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डिलिशियस रेसिपीज एंड डिलिशियस स्नैक्स शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो एंड प्रिपेयर दिस रेसिपी ऑन योर किटी पार्टीज वेलंटाइन्स पार्टीज ओकेजन सी एथ द नेक्स्ट रेसिपी बाय बाय